क्या आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से परेशान हैं? क्या आपके चेहरे पे कोई पुराना चोट का निशान या फिर पुराना दाग धब्बा, कोई पिंपल का निशान आपके चेहरे पे है जो कि कभी जा ही नहीं रहा? आप कितना भी क्रीम लगाते हो तो भी वो नहीं जाता है और उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो होम रेमेडी है वो बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है और घरेलू चीज़ों से आप अपने दाग धब्बे से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपके चेहरे पे पिंपल है या वो पिंपल जा नहीं रहा या फिर उस पिंपल के निशान हैं या फिर किसी चोट का निशान है, तो आज की रेमेडी में मैं बहुत ही अच्छी है, उससे आपका जो जड़ से जो पिंपल है ना वो ख़त्म हो जाएगा और जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे भी आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपका स्किन जो है एकदम साफ हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा और चेहरे पे एक भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको आलू यूज करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आलू को यूज करके कैसे अपने फेस से दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ आज आपको आलू के बारे में कि आप आलू से कैसे बनाओगे वो होम रेमेडी जिससे आपके स्किन पे दाग धब्बे जो हैं उसकी समस्या खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। अगर आप चाहो तो उसे मिक्सी में भी आप उसको पीस सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके छिलके को निकालना है और आपको कद्दूकस कर लेना है और उसके रस को निकाल लेना है। अगर आप मिक्सर में पीसते हो तो क्या होगा कि उसमें अगर कोई मसाला आपने पीसा होगा तो अगर उसके थोड़े से भी मिर्ची वगैरह होगी तो अगर उसमें आ जाएगा रस में, तो आपके स्किन पे इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कद्दूकस में इसको कद्दूकस कर लें, छिलका उतार के आलू का, और उसका रस निकाल लें, उसका आलू का जो जूस है वो निकाल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आलू का जूस निकाल लिया है, ये थोड़ा रेड हो गया है क्योंकि इसको निकाल दिया 5 मिनट में, ये रेड हो गया और आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको निकाल लो और निकाल के आप तुरंत ही अपने फेस पे इसको होम रेमेडी बनाना स्टार्ट करो और अपने स्किन पे लगाओ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाओ। मैं इसमें कच्चा मिल्क और वो भी ठंडा, तो मैं इसमें करीब 1 चम्मच मैं इसमें कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपको भी क्या करना है, इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध इसमें ऐड करना है और कच्चा दूध इसमें ऐड करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस टेक्सचर में बन के आ गया है और आप देख सकते हो, और इसको इसमें कच्चा दूध ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये दिखता है। और आपका जो एक्नी पिंपल को जो हटाने के लिए जिद्दी से जिद्दी जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे जो हैं या फिर किसी चोट के निशान जो हैं आपके चेहरे पे, उसको अब ये जड़ से ख़त्म करेगा। एक ऐसा होम रेमेडी बन के रेडी हो गया है और बहुत ही कम चीज़ों को यूज़ करके बना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, आप भूल जाओगे मेडिसिन और ये और वो क्रीम लगाना। सिंपल सी बात है, आपको इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप चाहो तो कोई कॉटन ले लो और नहीं तो अपने फिंगर से भी इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो उससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लोगे। मैंने फिलहाल अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं इसको अपने फिंगर से ही अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और आपके फेस पे जहाँ दाग धब्बे या फिर पिंपल के निशान है आप वहाँ पे इसको लगाओ और वहाँ पे आप उसको अच्छे से अप्लाई कर लो। और अप्लाई करने के बाद पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लो, क्योंकि इसमें जो आलू के स्टार्च है ना वो जो है वो भी हमारे पिंपल को अच्छे से जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितने भी हमारे जो स्किन पे जितने भी पिंपल्स होते हैं या फिर एक्नी पिंपल या फिर छाइयों की प्रॉब्लम होती है, हमारा स्किन काला पड़ गया हो, तो जो आलू जो है एक तरह से क्लिनजिंग का काम करता है, आपकी स्किन के अंदर जाके जितने भी डर्ट हैं जितने भी गंदगी है वो सबको निकालता है बाहर। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे अच्छे से इसको लगा लिया है और आपको अपने फेस पे ऐसे ही अप्लाई कर लेना है। आपके जहाँ दाग धब्बे ज़्यादा हों वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और ये जो रेमेडी है इसको आपको कब कब अप्लाई करनी है मैं भी ये भी बता देती हूँ इसी वीडियो में। आपको क्या करना है, इसको आपको जिनके फेस पे ज़्यादा दाग धब्बे की समस्या है उनको ये डेली अप्लाई करना है। चाहे आप डे में करो चाहे आप नाइट में करो, आप डेली इसको अप्लाई करो अपने फेस पे और दाग धब्बे से छुटकारा मिल जाएगा आपको। जिनके फेस पे ज़्यादा है दाग धब्बे, उनका कलर जो है बहुत ही काला पड़ गया है,
है तो वो उसे डेली यूज करें, और जिनके फेस पे कम एक दो पिंपल्स के निशान है और न्यू आ रहे हैं पिंपल के निशान, वो इसको हफ्ते में 3-4 बार उसको यूज कर सकते हैं और उनका भी फेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उनके भी जो इससे जो है ना ये जो रेमेडी है इससे हमारा जो स्किन है ना उसके अंदर से जो खूबसूरती है ग्लो है वो हमें दिखेगी। और आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आपको अपने फेस पे ऐसे ही अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे लगा छोड़ देना है। और इस बीच में आप जो भी काम आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किचन में भी काम कर सकते हो, आपके फेस पे ये अप्लाई है उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। पर वॉश करने के बाद आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा ये चीज जो है हमारी स्किन पे वर्क करने वाला है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसा कि आपको आप सबको पता होगा कि करवा चौथ भी आने वाला है, तो बहुत सी महिलाएं यूट्यूब पे सर्च करती हैं ये रेमेडी वो रेमेडी, तो क्या होता है ना कि कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जिससे कि आपको बहुत ताम हम लगता है तो आप उसको करना नहीं चाहते हो, लेकिन ये जो रेमेडी है बहुत ही इजी है, आपको ज्यादा चीजों को हाथ में लेकर और कुछ कुछ चीजों को आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैंने ऐड कर दी है इसमें सब सारे के सारे आपको घर पे इजीली मिल जाएंगी और आप उसको डेली भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके स्किन पे ज्यादा दाग धब्बे हैं उसको डेली यूज करें, मैं फिर से बता रही हूँ, और 15 से 20 मिनट तक मैं इसको फेस पे रखूंगी, उसके बाद मैं फेस वॉश करके आती हूँ और फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो थोड़े मेरे फेस गीले गीले से हैं क्योंकि मैं अभी जस्ट आई हूँ फेस वॉश करके। फेस वॉश नहीं करना आपको, नॉर्मल पानी से ऐसे ठंडे पानी से आपको सिर्फ फेस को धो लेना है, मैंने धो लिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे स्किन पे। और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, आप देख सकते हो पहले और अब में हम मेरे स्किन में डिफरेंस, और इसमें केमिकल नहीं है और आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हो और इससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने आपको लाइव करके दिखाया, वो भी मैंने अपने स्किन पे करके दिखाया है, तो आप देख सकते हो। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स जितने भी न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जितने भी पुराने YouTube फैमिली हमारे साथ हैं उनको भी धन्यवाद, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हो जिसकी वजह से हम वीडियो बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।